वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों सच्चे मन से कमेंट्स में जरूर लिखे जय माँ लक्ष्मी जय माता दी माता रानी सदैव आप पर अपनी कृपा बरसाती रहे। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं शरीर के उन निशानों के बारे में जो महिला के लिए बेहद ही भाग्यशाली होते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि जिन लड़कियों की मूछें होती है तो इसका आखिर समुद्र शास्त्र में क्या मतलब है। आपको बता दें वैसे तो हिंदू धर्म में स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है और इनकी पूजा भी की जाती है। ऐसे में अगर किसी हिंदू परिवार में बेटी का जन्म होता है तो लोग कहते हैं कि घर में लक्ष्मी आई है। इसके अलावा जब एक लड़की बड़ी होती है और उसका विवाह होता है तो जब वो पहली बार अपने ससुराल आती है तो लोग उस समय भी कहते हैं कि उनके घर लक्ष्मी आई है, अर्थात स्त्री के रूप को देवी की संज्ञा दी जाती है। वैसे तो हर लड़की अपने माँ बाप के लिए सौभाग्य लेकर आती है, परंतु सामुद्रिक शास्त्र में सौभाग्यशाली स्त्रियों की कुछ विशेषताएं बताई गई है। दोस्तों इस दुनिया में स्त्री का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि वो नए जीवन का मूल आधार होती है। माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे जिससे ये जाना जा सकता है कि स्त्री अपने पति और परिवार के लिए सौभाग्यशाली हो सकती है। दोस्तों शास्त्रों में कहा गया है कि अगर स्त्री की कुछ चुनिंदा अंग बड़े हो तो वो अपने परिवार के लिए सौभाग्य की निशानी होती है। कौन से हैं वो निशान आइए जानते हैं। दोस्तों नंबर एक, चमकते नाखून। बहुत सी महिलाओं के नाखून बहुत ही अच्छे और सुंदर होते हैं। गुलाबी रंग के चमकते नाखून लड़कियों की अच्छी सेहत और अच्छे चरित्र को दर्शाते हैं। ये अपने पति और परिवार दोनों के सुख और दुख का ख्याल रखती हैं और पूरी इच्छा से अपना काम करती है। जिस महिला के पांव की मध्यमा उंगली बड़ी होती है वो बहुत ही दुर्भाग्यशाली होती है। ऐसी महिला से विवाह करने से पहले आपको इसके बारे में कई बार सोच विचार कर लेना चाहिए। दोस्तों नंबर दो, बाएं गाल पर तिल। जिस महिला के बाएं गाल पर तिल होता है वो महिला खाने की बहुत ही शौकीन होती है और हर तरह के व्यंजन का लुत्फ उठाती है। वो अपने पूरे परिवार का अच्छे से ख्याल रखती है, ये बहुत अच्छा खाना बनाती है जिसकी वजह से उनका परिवार उनसे हमेशा खुश रहता है। दोस्तों नंबर तीन, जिन महिलाओं की नाक लंबी होती है उनमें मुसीबत को शांति से सुलझाने की क्षमता होती है। इन महिलाओं को खर्चा करने का शौक होता है लेकिन इनके द्वारा किया गया खर्चा कभी भी बेकार नहीं होता। दोस्तों नंबर चार, लंबी उंगलियां। जिन महिलाओं की उंगलियां लंबी होती है वो बहुत ही बुद्धिमान होती है। इन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक होता है। ऐसी महिलाएं फिजूल खर्च नहीं करती बल्कि इन्हें पैसा दिया जाए तो वो इसे दुगना करने का हर संभव कार्य करती है। उनका परिवार और पति इनसे हमेशा खुश रहता है। दोस्तों नंबर पाँच, गुलाबी पैर। जिन महिलाओं के पैर गुलाबी और बहुत ही कोमल होते हैं और पूरी तरह से विकसित होते हैं तो इस तरह की लड़कियां अपने प्रेमी या फिर पति को बहुत अच्छे से खुश रखती हैं। इसके अलावा शारीरिक संबंध में इनकी रुचि इस प्रकार की होती है कि उनके पार्टनर उनसे हमेशा नजदीकी बनाकर रखते हैं, क्योंकि एक पति या प्रेमी अपने प्रेमिका या पत्नी से सिर्फ प्यार की उम्मीद रखता है और इस मामले में ऐसी महिलाएं हमेशा आगे रहती हैं। अर्थात यदि कोई पुरुष ऐसी महिला से शादी करता है तो वो हमेशा खुश रहेगा और उसे अपनी पत्नी से कोई भी शिकायत नहीं रहेगी। दोस्तों नंबर छह, तलवे के नीचे त्रिकोण। सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक महिलाओं के पैर के तलवे में कई गहरे राज छुपे होते हैं। जी हाँ, जिन महिलाओं के तलवों के नीचे त्रिकोण का निशान होता है तो बहुत ही चतुर और बहुत ही बुद्धिमान होती हैं और ये किसी भी कार्य को बड़ी सूझबूझ के साथ करती है। अर्थात ऐसी महिलाओं से शादी करने वाले लोग कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होते क्योंकि उन्हें एक समझदार पत्नी मिल जाती है जो उनके हर काम में उनका साथ देती है। अगर जिन महिलाओं के तलवों में त्रिकोण का निशान बनता है तो वो महिलाएं वास्तव में भाग्यशाली होती है। दोस्तों नंबर सात, बड़ी बड़ी आंखें। हर किसी को बड़ी बड़ी आंखों वाली महिलाएं ज्यादा पसंद होती है। ऐसी महिलाओं की आंखों में लोग अक्सर डूब जाते हैं। जिन महिलाओं की आंखें बड़ी बड़ी होती हैं उन्हें हिरणी की आंखों की संज्ञा दी जाती है। दरअसल बड़ी बड़ी आंखों वाली इन स्त्रियों के जीवन में प्रेम और सुख हमेशा रहता है। उन्हें अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। दोस्तों नंबर आठ, नाक पर तिल। आपने बहुत सारी महिलाओं के चेहरे पर तिल देखा होगा लेकिन चेहरे की कुछ खास जगह तिल होना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में तिल सिर्फ भाग्यशाली महिलाओं के चेहरे पर ही होते हैं। दरअसल अगर किसी महिला की नाक के पास तिल होता है तो ऐसी महिलाएं बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती है। दोस्तों नंबर नौ, खूबसूरत चमकदार बाल अगर जिस महिला के होते हैं तो वो महिला अस्थायी रूप से माता लक्ष्मी के समान होती है। ऐसी महिला की शादी जिस घर में होती है उस घर में ये महिला सौभाग्य लेकर जाती है। घर परिवार धन से सदैव भरा रहता है।
दोस्तों सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के बारे में यहाँ तक कि बालों को लेकर भी कई खुलासे किए गए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन महिलाओं के बारे में जिनके चेहरे पर होठों के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं, जिसे पुरुष की भाषा में मूंछ कहा जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंगों या शरीर पर बने चिन्हों या चाल ढाल या व्यक्ति के सभी रहन सहन के तरीकों से आप व्यक्ति के चरित्र के बारे में कई गुप्त बातें जान सकते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि जिस महिला के होठ के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं तो उसका स्वभाव कैसा होता है, क्या ये लोग अच्छे होते हैं या बुरे, इनके पास पैसा आएगा या नहीं, तो चलिए इस बारे में भी जान ले। दोस्तों सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के मुख पर मूंछ के बाल स्पष्ट दिखाई देते हैं तो वो स्त्री गर्म मिजाज यानी के गुस्सैल होती है। ऐसी महिलाएं सिर्फ अपनी बात मनवाने वाली और पति पर हुक्म चलाने में माहिर होती है। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत क्रूर हो जाता है, अपनी बात मनवाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसे में ऐसी स्त्री पूरे परिवार को अपने तरीके से चलाती है, कोई भी इनकी बात ना माने तो ये बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो जाती है। ऐसी स्त्री पूरे परिवार का सर्वनाश कर देती है, घर में धन वैभव को बर्बाद कर देती है, रुतबा पैसा सब खत्म हो जाता है। जिस प्रकार से शीशा हमारे शरीर की ऊपरी तस्वीर दिखाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के अंग हमारी अंदरूनी तस्वीर से रूबरू करवाते हैं। चलिए जानते हैं ऐसी ही और बातों के बारे में। दोस्तों अगर स्त्री का पेट घड़े के समान होता है तो वो महिलाएं हमेशा गरीब और दरिद्रता में जीवन गुजारती है। पेट का अधिक लंबा या बेसुध होना भी अशुभ माना जाता है। तो वहीं अगर किसी महिला के दांत मोटे और चौड़े हो और मुंह से बाहर की तरफ निकलते हैं तो उस महिला का जीवन हमेशा दुख से भरा होता है। मसूड़ों का काला होना भी स्त्रियों के लिए शुभ नहीं माना जाता। जिस महिला की अगर एड़ियां काफी गंदी रहती है तो माँ लक्ष्मी ऐसी महिलाओं का साथ छोड़ देती है, ऐसी महिलाएं अशुभ मानी जाती है। दोस्तों आपने देखा होगा कि तमाम ज्योतिष विशेषज्ञ लोगों के चेहरे को देखकर ही उनके भविष्य के बारे में काफी कुछ बता देते हैं। दरअसल सामुद्रिक शास्त्र में दांतों के बीच के गैप को देखकर भी व्यक्ति के भविष्य और भाग्य के बारे में जाना जा सकता है। दांतों के बीच के जिस गैप को आप खूबसूरती में दाग मानते हैं, समुद्र शास्त्र में उसे लेकर काफी दिलचस्प बातें बताई गई है, जिन्हें जानने के बाद आपको भी अपने दांतों के बीच का गैप काफी अच्छा लगने लगेगा। दोस्तों समुद्र शास्त्र के मुताबिक जिन लोगों के सामने वाले दांतों के बीच में गैप होता है वो लोग किस्मत के धनी होते हैं और भविष्य में उनके सफलता के उच्च शिखर को छूने की संभावना होती है। जिन लोगों के दांत के बीच में गैप होता है वो लोग काफी बुद्धिमान माने जाते हैं। इनमें ऐसी परेशानियों का भी समाधान ढूंढने की क्षमता होती है जिन्हें कई लोग मिलकर भी नहीं हल कर सकते। ये लोग अपने जीवन को भरपूर रूप से एंजॉय करते हैं और बगैर किसी परेशानी के अपनी जिंदगी को सुकून से जीना पसंद करते हैं। ये लोग खुले विचारों के होते हैं। इन लोगों को दकियारों सी बातें समझ में नहीं आती। ये लोग वक्त के साथ आगे बढ़ने की सोच रखते हैं ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी ना उठानी पड़े। जिन लोगों के दांतों के बीच में गैप होता है वो जिससे भी शादी करते हैं उनका जीवन भी सुधार देते हैं। इनके भाग्य से इनके पार्टनर के जीवन में भी कई परिवर्तन आते हैं। ऐसे लोग अपने पार्टनर को बहुत प्यार करते हैं और उन्हें हर तरह से खुश रखते हैं। इनका प्यार एकदम निश्चल होता है और प्यार जताने का तरीका बहुत निराला। इन लोगों को अगर एनर्जी का भंडार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये जिस क्षेत्र में भी जाते हैं वहाँ बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं और अपने गुणों से दूसरों को इम्प्रेस कर देते हैं। ये लोग बेहतर खिलाड़ी साबित होते हैं। ये लोग खाने पीने के काफी शौकीन होते हैं, लेकिन उतना ही शौक इन्हें खाना बनाने में भी है। इसीलिए इनके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। इनका सोशल सर्कल जबरदस्त होता है। ढेर सारे दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, कलीग, ये सभी को अपने साथ जोड़े रखने का हुनर बखूबी जानते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय मां लक्ष्मी, जय माता दी।